तैयार कर दिया। आने को तो वो आज भी तैयार है, कोई बुलाने वाला चाहिए क्या? आज नहीं आ सकते, कोई भाव से पुकारने वाला चाहिए। आगे फिर गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा जी में स्नान किया मेरे प्रभु ने, और विश्वामित्र जी ने गंगा जी की महिमा बताई। हर्ष चले मुनिवर के संगा, हर्षित होते हुए भगवान राम चले विश्वामित्र जी के साथ, आगे बढ़े हैं मिथिला की ओर, और मिथिला नगर के बाहर पहुंच गए हैं। सुंदर अवराई बगीचे में जाकर ठहरे हैं, अभी नगर में नहीं गए, अंदर बाहर बगीचे में रुके हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी चाहते हैं कि भगवान जब नगर में आए हैं ऐसे ही पहुंच जाएं अंदर तो क्या बात होगी। अरे जब तक स्वयं राजा मिलने ना आए, मेरे साथ परमात्मा आए हैं, कोई स्वागत करने ना आए, हम पहले पहुंच जाएं क्या मजा है। तो विश्वामित्र जी देखो कैसे भगवान की महिमा को बढ़ा रहे हैं। आज जब उस बगीचे में रुके हैं, भगवान को कह दिया कि आप थोड़ा फल लेकर आओ, राघव लक्ष्मण के साथ जाओ, थोड़ा फूल लेकर आओ, क्योंकि शाम को संध्या का समय है, पूजन अर्चन होगा, जाओ। इधर भगवान को भेज दिया, उधर एक सेवक को तुरंत जनक जी के पास भेजा है कि खबर दो हम आ चुके हैं। जनक जी महाराज को जैसे ही मालूम चला तो सारे विप्र समाज को, संत समाज को लेकर चरणों में विश्वामित्र जी के आए हैं। बोलो जनक जी महाराज के जय। जनक जी का आगमन हुआ है। अब देखो सब बैठ गए हैं, विश्वामित्र जी ने कितनी कमाल की भूमिका बनाई है, पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है सारी। राम जी इस समय पास में होते, जनक जी आते तो राम जी को खड़ा होना पड़ता, उनको भेज दिया। सब बैठ गए हैं, जनक जी बैठ गए, सतानंद जी बैठ गए, सब मंत्रीगण बैठ गए, जो भी आए साथ में सब बैठ गए। अब विश्वामित्र जी इंतजार करने लगे कि अब मेरे राघव आ जाएं। सभा लग चुकी है, दरबार सज गया, और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कितने अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। जैसे ही भगवान आए हैं वहां पर, श्याम और गौर, राम जी श्याम हैं, लक्ष्मण जी गोरे, जैसे ही दोनों का आगमन हुआ है तो बस कमाल हो गया, जो विश्वामित्र जी चाहते थे वही हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं उठे सकल रघुपति ही निहारी, जैसे ही राम जी आए सब खड़े हो गए, जनक जी खड़े हो, विश्वामित्र जी बैठे हैं केवल, बाकी सब जनक जी खड़े हो गए, मंत्री खड़े हो गए, जितने ब्राह्मण थे साथ में सब खड़े हो गए, और आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर देखने लगे इतने सुंदर ये कौन आ गए। विश्वामित्र जी का हृदय फूल गया है कि बस मैं यही चाहता था, राम आए और सब खड़े हो जाएं, राघव का सत्कार होना चाहिए, क्योंकि राम यहां पहले से बैठे होते तो मेरे प्रभु को खड़ा होना पड़ता। हर गुरु यही चाहते हैं शिष्य का सम्मान हो। वो गुरु मैं समझता हूं अभागा है जो शिष्य का सम्मान होते हुए देखकर ईर्ष्या करे, ध्यान रखना। वो गुरु भाग्यशाली है जो अपने शिष्य के सम्मान को देखकर फूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। विश्वामित्र जी गदगद हो गए, राघव का सम्मान हो गया। तुरंत निकट बैठाए, सब देखते जा रहे हैं राम जी को, इतने प्यारे इतने सुंदर, आंखें मानो किसी ने ठग ली है,
ऐसा उनका रूप है। जनक जी महाराज ने तुरंत पूछा कि कह मुनि बिहसी कहे उनपनी का। जनक जी पूछते हैं कि महाराज ये कौन है, मुझे इनका परिचय आप दो। ऋषिकुल तिलक की नृपकुल बालक, ये दोनों लगते तो बड़े प्यारे हैं, आपके साथ आए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि ये किसी राजा के बेटे हैं, किसी ऋषि की संतान है, कौन है? क्योंकि गुरुदेव आप जानते हो कि मैं परम ज्ञानी हूं। जनक जी जैसा ज्ञानी कौन होगा? मैं परम ज्ञानी हूं और मेरा मन कभी इधर उधर नहीं भागता, मेरे वश में रहता है, पर आज इनको देखकर मेरा मन भाग रहा है। ये कौन है? कहीं ये वो तो नहीं वेदों ने जिनको ब्रह्म कहा, वेदों ने जिनको परमात्मा कहा, कहीं वही तो शरीर धर के नहीं आ गए? विश्वामित्र बोले कहियो नृपनी का, राजन तुम ठीक कह रहे हो कि ये प्रिय सवही जहां लगी प्राणी। मालूम है ये कौन है? बोले संसार में जितने भी लोग हैं ना, एक बार जो इनको देख ले इनसे प्यार करने लगता है, ये वो है। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। बंधुओं ध्यान रखना, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता जिसको मेरे राम जी से, मेरे बांके बिहारी से प्यार ना हो जाए, जो परमात्मा से प्रेम न कर बैठे। तू मुझे इस कदर मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। जिसे न तुझसे मोहब्बत न तेरे हुस्न से प्यार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। जिसे भगवान से प्यार नहीं वो तो अभागा है, वो तो बदनसीब है। एक बार कहिए श्री राधे। तो विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हुए थे, तो हम इनको अपने साथ ले आए। बोले गुरुदेव ये तो आपने बहुत कमाल का काम किया, जो इसी बहाने हमको भी इनके दर्शन प्राप्त हो गए, मिलकर अंदर लेकर नगर में आए हैं। और देखो कमाल की बात है, सीय सदन किशोरी जी का महल था सीता जी का, उसको खाली कराया गया और उसी में राम जी को ठहराया गया है। उसका नाम भी बताया सुंदर सदन। क्या नाम? हाँ, जिसमें सीता जी रहती थी उसको खाली कराया गया, उसमें राघव ठहरे हैं विश्वामित्र जी के साथ। सुंदर सदन है। और संकेत बड़ा प्यारा मिल रहा है बंधुओं, सीता जी तो भक्ति का स्वरूप है ना। मानो गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया कि भगवान यदि किसी के घर में रहते हैं तो भक्ति के घर में ही आकर रहते हैं प्रभु, दूसरा कोई घर नहीं है जिसमें भगवान रहते हैं, वो भक्ति के घर में रहते। इसीलिए कहा गया सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान रहती है, चाहे देखने में उसके पास फूटी कौड़ी न हो, एक धेला न हो, पर हृदय में भक्ति है, तो कहा गया उससे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं हो सकता संसार में, जिसके अंदर प्रेम आ गया। अब कथा मैं ज्यादा न बढ़ाऊं, क्योंकि यहां तो एक एक प्रसंग ऐसे हैं कि बोलते जाओ, एक एक चौपाई में इतना भाव भरा पड़ा है। अब ज्यादा कथा बढ़ाऊंगा तो फिर ठाकुर जी का धनुष बिना टूटे ही रह जाएगा, धनुष तोड़वाना है ना, अभी बड़ा आनंद आएगा, विवाह होगा मेरे प्रभु का, सुंदर उत्सव मनाएंगे आज यहां। उस भवन में आकर विराजे हैं, बड़ा आनंद बरस रहा है। अब लक्ष्मण जी के हृदय में थोड़ा नगर देखने की इच्छा आई है, राम जी के हृदय में नहीं, लक्ष्मण जी के हृदय में।
गोस्वामी जी ने कहा कि लखन हृदय लाल सा बिसेखी जाई जनकपुर आई देखी तो राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही अहुलसानी। लक्ष्मण हृदय लालसा विसेखी, ये अभिलाषा लक्ष्मण जी के मन में जगी है कि थोड़ा जनकपुर को देखा जाए, मिथिला को देखा जाए। लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा जगी, ये भी कमाल की बात है। लक्ष्मण के मन में कभी इच्छा नहीं जगती राम को छोड़कर किसी दूसरे की, और आज लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हो रही है, कमाल। अरे क्यों ना हो, लक्ष्मण जी ने सीता जी को कभी अपनी भाभी नहीं माना, उन्होंने तो मां माना है। और भैया मां का नगर तो ननिहाल कहलाता है, कौन बच्चा होगा जो ननिहाल को देखना ना चाहे। मां का जो घर है, मायका जो है उनका, वो तो ननिहाल हुआ ना, कौन बच्चा होगा जो ननिहाल ना देखना चाहे। लक्ष्मण जी ने तो सीता जी को मां ही माना है हमेशा। तात तुम्हारु मात बैदेही, सीता तो मां है। तो आज अभिलाषा जगी है पर बोल नहीं पा रहे, और उसी समय राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली। बताया नहीं लक्ष्मण जी ने, राम जी जान गए। यहां भी संकेत बड़ा प्यारा है कि आपके हृदय में यदि भगवान के लिए प्यार होगा तो होठ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे प्रभु तुम्हारे मन की बात समझ जाएंगे और सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, तुमको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आज मन की गति जान गए प्रभु, और तुरंत विश्वामित्र जी को कहा कि नाथ लखन पुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। तो जौरावर आयसु मैं पावो नगर देखाई तुरत ले आवो। हे गुरुदेव, लक्ष्मण डर के कारण कह नहीं पा रहे लेकिन ये नगर देखना चाहते हैं, अब आप आज्ञा दो तो मैं इनको नगर दिखा के ले आऊं। नगर दिखाई तुरत ले आवो, कमाल की बात है। लक्ष्मण जी नहीं बोले, राम जी बोल रहे हैं कि मैं नगर दिखा के ले आऊं। विश्वामित्र जी बोले कि राम जी आप कहते हो कि मैं नगर दिखा के ले आऊं, क्या तुमने पहले से देख रखा है? अब मान लो मैं रोहतक आया और मेरे साथ जो लोग आए हैं, मेरे पंडित जी या कोई मेरा म्यूजिशियन, ये सब तो मेरे साथ है। अब ये मुझे रोहतक दिखाने ले जाए तो कहां पर क्या क्या है, तो क्या ये दिखा पाएंगे? अरे इन्होंने खुद ही नहीं देखा तो कहां से दिखाएंगे? भाई मुझे रोहतक घुमाना है तो कोई रोहतक का ही चाहिए, मुझे तो कोई घुमाता भी नहीं रोहतक। प्रेम से कहो श्री राधे, पर मुझे घूमने की क्या जरूरत जब रोहतक ही यहां आके बैठ गया मेरे सामने, घूम के क्या करूंगा जब सब यहीं आकर बैठ गए। विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ कि राम क्या तुमने पहले से नगर देखा है, तुम क्यों दिखाने ले जा रहे? अरे किसी ने देखा हो, मालूम हो तो वो दिखाने ले जाए। तो अब राम जी क्यों कह रहे हैं कि मैं दिखाने ले जाऊं? कई भाव हैं, एक दो भाव सुनाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात राम जी कहना चाहते हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण अभी छोटा है, कहीं खो ना जाए, भटक ना जाए, मैं साथ में जाऊंगा ना तो तुरंत ले आऊंगा, इसको खोने नहीं दूंगा, मैं जल्दी ले आऊंगा लौटा के। पहला भाव। दूसरा भाव यह है कि गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकता और मैं लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकता हूं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये प्रेम है राम और लक्ष्मण का। अब इस पर मैं चर्चा करूं तो क्या कर पाऊंगा, आगे प्रसंग आएंगे तो जरूर बताऊंगा राम जी का कितना प्रेम है लक्ष्मण जी से। सबकी कल्पना हो सकती है राम के बिना, लेकिन लक्ष्मण जी की कल्पना राम के बिना नहीं हो सकती। हनुमान जी भी कभी मिले हैं कभी बिछड़े हैं, सीता जी को भी लीला में बिछड़ना पड़ा है, भरत जी भी राम से दूर रहे हैं, सब राम जी से दूर रहे हैं, पर लक्ष्मण जब तक लीला हुई है कभी राम से दूर नहीं रहे हैं कभी। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण आज नगर देखे बिना नहीं रह पा रहा, मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकता, तो मुझे जाने दो साथ। जैसे ये बात कही तुरंत आज्ञा दे दी है कि आप जाओ और जल्दी नगर दिखा के लौटना। कि जाए देखिया वह नगर सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। विश्वामित्र जी ने जब आज्ञा दी तो एक कदम और आगे बढ़ के आज्ञा दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और नगर देख के आओ, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तुम देख के भी आओ और दिखा के भी आओ, यानी तुम मिथिलापुरी की शोभा देखो और थोड़ा यहां के लोगों को तुम्हारे रूप का आनंद लेने दो, वो भी तो देखें कि राम कितने सुंदर हैं। तो करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, अपना रूप दिखाकर सबको आनंद दो। महाराज मिथिला की गलियों में आज आनंद हो के आनंद दाता ये गौर श्याम छवि जब निकली है, आहा आज मिथिलावासी गदगद हो गए हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जो जिस काम में लगा हुआ था उस काम को छोड़कर आज राम और लक्ष्मण को देखने भाग रहा है। अरे भैया उधर देखो कौन आए हैं, सब काम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। संकेत यही है, जब तक भगवान ना आए तब तक काम में लगे रहो, लेकिन जब परमात्मा आ जाए तो सारे काम छोड़ के फिर तो उनको देखने के लिए भागो, यही संकेत है, दौड़ पड़े। और मिथिलानियां सब अपने अपने झरोखाओं में आ गई हैं, वहां की जो नारियां हैं सब अपने अपनी अटारियों पर झरोखाओं पर खड़ी हो गई, वहीं से ऊपर से निहार रही हैं। पर कमाल की बात है कि राम जी जब चल रहे हैं तो मेरे राघव सिर झुका के चल रहे हैं, ऊपर नहीं देखते, क्योंकि इधर उधर देखने की राम जी की आदत नहीं है। कल भी मैंने बताया था ना, उनके नेत्र बड़े गंभीर हैं, आंखों में बड़ी मर्यादा है, शांत होकर चलो। मिथिलानियां देख तो रही हैं पर उनकी इच्छा हो रही है एक बार ये भी हमें देख लें, एक बार राम जी भी ऊपर निहार लें, इनकी दृष्टि पड़ जाए हम पर, क्योंकि न जी चाहता हूं नजर चाहता हूं प्यारे, न जी चाहता हूं नजर चाहता हूं, मैं तो तेरी कृपा की नजर चाहता हूं बस, एक बार ये भी तो देख। लेकिन राम जी तो देखते नहीं, लक्ष्मण जी के साथ चुपचाप चलते जा रहे। तभी वो आपस में बातें करने लगी, एक बोली कि चलो इनके बारे में कुछ बात करते हैं शायद तब हमको देखें। तो एक ने कहा कि ए दो दशरथ के ढोटा, एक बोली दूसरी को कि सखी तुझे मालूम नहीं है, मैं तो बहुत जानती हूं इनको, ये कौन है। बोले कौन है, बोले ये दोनों दशरथ जी के बेटे हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ। जो ऐसे कहा लक्ष्मण जी राम जी को बोले कि प्रभु कोई ऊपर हमारे पिताजी का नाम ले रहा है, आप कहो तो एक बार देखूं कौन है। राम जी बोले लक्ष्मण खबरदार जो इधर उधर देखा, यहां चारों तरफ खतरा ही खतरा है, चुपचाप चलो, बिल्कुल नहीं देखना इधर उधर। बोले प्रभु हमारे पिताजी का, बोले कोई बात नहीं चलो। फिर चल दी। अब वो जो ऊपर बात कर रही थी वो बोली कि देखो हमने तो पिता का नाम लिया फिर भी नहीं देखा हमारी ओर,
क्या करें? तो बात को आगे बढ़ाए कि कौशल्या सुत दो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पान। जब एक ने कहा कि ये दशरथ के बेटा हैं, दूसरी बोली अरे तुझे केवल पिता का नाम पता है, मैं तो इनकी मां को भी जानती हूं। बोले कौन है? तो कहा कौशल्या सुत। इनकी मां का नाम कौशल्या है? लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु अब तो मां का नाम भी ले रही हैं ये, कहो तो अब देखूं। पर राम जी बोले खबरदार लक्ष्मण, चारों तरफ खतरा है। अरे बोले प्रभु क्या पता खतरा ना हो, हमारे कोई दूर के रिश्तेदार यहां रहते हो तभी तो जानते हैं हमको, आप कहो तो एक बार देख लो। बोले बिल्कुल नहीं, नाम राम, नाम भी बता दिया, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां सारी पोल खुलती जा रही है, आप कह रहे हो कि मत देखो, पिता का नाम, मां का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, सब तो जानती है, एक बार देखने दो ना। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देखना, चुपचाप चलो। ये राम जी हैं जो नहीं देख रहे, कहीं मेरे बिहारी जी होते ना अब तक ऊपर ही पहुंच गए होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। यदि ऊपर नहीं गए होते ना तो नजरों से तीर चला के ऊपर वालों को नीचे तो बुला ही लेते कम से कम। बांके बिहारी तो बांके बिहारी हैं, पर यहां तो एक मर्यादित, एक आदर्श चरित्र देने आए हैं ना प्रभु, तो मर्यादा नहीं टूट रही है। और आपको बताऊं बंधुओं, ये सब मिथिला की नारियां ही तो ब्रज में आकर गोपियां बनी हैं जिनको प्रभु ने स्वीकार किया है। ऐसा भी प्रसंग आता है, ये सब मिथिलानियां ही ब्रज में गोपी बनी, दंडकारण्य बन के ऋषि मुनि गोपी बने। लेकिन अभी तो मर्यादित चरित्र प्रभु कर रहे हैं, निभा रहे हैं। मना किया लक्ष्मण, बिल्कुल नहीं देखना ऊपर, नहीं देखते। बाद में एक बोली कि सखी मुझे तो ऐसा ही लगता है कहीं ये दोनों भाई बहरे तो नहीं हैं। एक बोली कहीं ये दोनों बहरे तो नहीं हैं, इनको सुनाई बुनाई नहीं देता क्या? दूसरी बोली सखी मुझे तो लगता है ये बहरे तो हैं, ये गूंगे भी हैं, ये तो बोलते भी नहीं है, चुपचाप चले जा रहे। लक्ष्मण जी कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु अब इससे ज्यादा अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, हमको गूंगा भी बना दिया, हमको बहरा भी बना दिया, और कितना अपमान करवाओगे आप? अब तो देख ही लो एक बार, जो लक्ष्मण ने कहा और राम जी ने ऊपर देखा है तो नजरों से घायल कर दिया मेरे प्रभु ने सबको। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जो नजर डाली है आहा कमाल हो गया बंधुओं, वो सब मिथिलानियां घायल हो गई मानो, क्योंकि मेरे प्रभु के नेत्रों में वो जादू है बंधुओं, जिसको एक बार देख लेते हैं फिर वो दुनिया का नहीं रहता, फिर हमेशा के लिए वो मेरे प्रभु का ही बन जाता है, हमेशा के लिए वो बांके बिहारी का ही हो जाता है। तो आप ऐसा प्रयास करना कि कैसे भी एक बार मेरे प्रभु की नजर तुमसे मिल जाए बस। और वो सबसे नहीं मिलती, पर जिससे मिलती है तो मालूम है क्या होता है कि छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। अब वैसे तो धनुष टूटने का टाइम हो रहा है, पर एक लाइन गाने का मन भी कर रहा है मेरा, क्या करूं? या फिर कभी सुना दूंगा अभी, तो फिर बस दो मिनट गाओ और ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, धनुष भी जल्दी टूटने वाला है बस, पर दो लाइन गाओ मेरे साथ झूम कर। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए हो, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, 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 हो नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के,
हाँ प्यारे छाप तिलक हो छाप तिलक हो छाप तिलक साँप छीने उस नैना में लाए गए छाप तिलक सब छीने रे उसने ऐसे नहीं दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए छाप तिलक साँप छीनी रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक साँप छीनी रे मोसे नैना मिलाए मेरे प्रभु नगर देखकर लौटे हैं विधिवत संध्या वंदन किया है गोस्वामी जी ने कहा और शयन किया है जब उठे हैं सोकर के भगवान राम देखो प्रसंग तो यहां पर बड़े दिव्य हैं एक एक लीला बड़ी कमाल की है कहां तक मैं वर्णन करूंगा समय भी उतना नहीं है जब उठे मेरे प्रभु तो गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि समय जाने गुरु आय सुपाए लेन प्रसून चले दो भाई गुरुदेव ने आज्ञा दी और फूल लेने के लिए आज बगीचे में भगवान राम आए हैं वहां मालियों से प्रभु ने पूछा है कि क्या हम इस बगिया से फूल ले सकते हैं मालियों ने आज्ञा दी कि महाराज ये आपकी ही है चाहे बगिया का मालिक माली होता है लेकिन रघुनंदन यदि हम इस फूल बगिया के मालिक हैं तो आप तो इस संसार रूपी बगिया के मालिक हो क्या आपको पूछने की जरूरत है आपका है मेरे प्रभु प्रवेश करते हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तेई अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई उसी समय सीता जी आई हैं यहां अपनी सखियों के साथ सहेलियों के साथ बड़ा अद्भुत प्रसंग है बंधुओं ये जो पुष्प वाटिका का प्रसंग है रामचरितमानस का इस पर बोलने के लिए चलो ज्यादा दिन नहीं तो कम से कम एक दिन तो चाहिए पूरा ये जो चार घंटे की कथा है कम से कम वो एक दिन की कथा इस वाटिका प्रसंग पर हो तब हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे इसको ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है भगवान राम जब फूल तोड़ रहे हैं फूल चुन रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ तो कंकण किंकिणे नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभी दीनी मनसा वेश विजय कहची आज सीता जी के नूपुरों की आवाज भगवान राम के कानों में आई है कंकण किंकिण नूपुर धुन सन कहत लखन सन राम हृदय गुन लक्ष्मण ये नूपुरों की आवाज क्या तुमको सुनाई देती है आज मेरा मन इनको सुनकर मनो विचलित हो रहा है भाग रहा है और लक्ष्मण तुम जानते हो हम रघुवंशी हैं हमारा मन कभी सपने में भी नहीं डोलता वो भी किसी पराई स्त्री के नूपुरों को सुन के हमारा वैसा स्वभाव नहीं है लक्ष्मण पर आज मेरा मन न जाने क्यों डोल रहा है लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि क्यों न डोलेगा मेरी मैया जो आ गई है बगीचे में तो पिता का मन राम तो मेरे पिता है लक्ष्मण जी बोले